सिली प्रखंड में आज सोमवार को कार दुर्घटनाग्रस्त दो महिला गंभीर रूप से घायल। सिली टाटा मार्ग बनता काली मंदिर होटल के समीप मारुति कार सड़क किनारे रखे एक ईंटों से जा टकराई। जानकारी के मुताबिक कार में तीन लोग सवार थे। एक विवाह में शामिल होने के लिए वे जमशेदपुर जा रहे थे। इसी क्रम में चालक नासिर अंसारी संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क किनारे रखे ईंटों से जा टकराया, जिसमें कुटाम निवासी अकलीमा खातून तथा झालदा कुटीडी निवासी खतीमा बीवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों का सिल्ली अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रांची रिम्स भेज दिया गया है। अनगढ़ा प्रखंड के नावागढ़ सोसो में शौच के लिए बैठे 6 साल के बच्चे पवन महतो के ऊपर छत गिर गया, जिससे पवन के सर में चोट लगी है। घटना सुबह की है। सोसो के कृष्ण महतो का पुत्र पवन सुबह शौच करने के लिए गया हुआ था। 1 साल पहले ही JSLPS के द्वारा AC ब्लॉक ब्रिक्स से शौचालय का निर्माण कराया गया था। जिला परिषद सदस्य राजेंद्र शाही मुंडा व नावागढ़ मुखिया भुवनेश्वर वेद्या ने JSLPS द्वारा घटिया स्तर के बनाए गए शौचालय निर्माण की जाँच की मांग की है। अनगढ़ा प्रखंड में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सफल बच्चे को पुरस्कृत किया गया। प्रखंड स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के सफल परीक्षार्थियों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। 24 अप्रैल को प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी। नव युवक ग्रामीण विकास संगठन राजा डेरा द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण में राजेंद्र शाही मुंडिया मुखिया सीमा देवी उपस्थित रही। अनगढ़ा प्रखंड में पैना पहाड़ पर लगा मेला। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बेंती के पैना पहाड़ पर पर्यावरण जागरूकता मेला आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतिनिधि के रूप में भाजपा नेता जलेंद्र कुमार ने किया। मेला में पर्यावरण जागरूकता को लेकर संदेश दिया गया। जलेंद्र कुमार ने कहा कि ग्रामीणों का प्रयास रंग ला रहा है। पर्यावरण प्रेमी ग्रामीणों ने 4 दशक पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए एक छोटा सा प्रयास किया था। आज उनके प्रयास से इतने बड़े मेला का आयोजन किया गया। मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तमाड़ थाना क्षेत्र के तमाड़े हिंद्रीडी गांव में रविवार 4 बजे टेम्पो और ट्रक में टक्कर हो जाने से टेम्पो सवार निरंजन सेठ भोक्ता देवी व चालक नेपाल सेठ सभी हिंद्रीडी के निवासी घायल हो गए। घायलों को तत्काल तमाड़ अस्पताल लाया गया है, जहां तीनों का प्राथमिक इलाज किया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल मुक्ता देवी को रिम्स भेज दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीनों लोग टेम्पो में सवार होकर तमाड़ से हिंद्रीडी जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही ट्रक चालक ने टेम्पो को ठोकर मार दिया, जिससे टेम्पो पलट गया। इधर ग्रामीणों का कहना है कि ट्रैक्टर नोड़ी निवासी अमित बांझी का है। मिनी नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप के विजेता सिली विधायक सुदेश कुमार महतो से मिले। मिनी नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप के पदक विजेता तीरंदाज सिली स्टेडियम परिसर में सिली विधायक शाह बिरसा मुंडा तीरंदाजी केंद्र के संरक्षक सुदेश कुमार महतो से मुलाकात कर उनकी उपलब्धि की जानकारी दी। ज्ञात हो कि पिछले 27 से 30 मई को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में आयोजित मिनी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड टीम में सिली बिरसा मुंडा आर्चरी अकेडमी की सुरभि पाल, साहिल बनवार व सिली साझा सेंटर की अंजुगढ़ी ने टीम स्पर्धा में कांस्य पदक एवं जोन्हा डे बोर्डिंग सेंटर के लक्ष्मी कुमारी ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सुदेश कुमार महतो एवं उपस्थित लोगों ने तीरंदाजों को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर पूर्व जीप सदस्य गौतम कृष्ण साहू, संजय सिद्धार्थ, ब्रजेशद एवं कोच प्रकाश राम सहित अन्य लोग शामिल हुए। तमाड़ प्रखंड में वन विभाग तमाड़ के द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परिसर में स्कूली छात्रों ने भी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों को बताया गया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे जरूरी पेड़ है। आज जिस तरह से पेड़ों की कटाई की जा रही है, पर्यावरण को भी दूषित किया जा रहा है। इस वजह से विभिन्न प्रकार की महामारी विश्व में दस्तक दे रही है। सभी ने एक स्वर में पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का संकल्प लिया। इधर प्रधान नगर शिव मंदिर परिसर में भी पौधारोपण व पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसू तमाड़ के अध्यक्ष जगदीश के लोगों ने कम से कम एक पौधा जरूर लगाने की अपील की, ताकि विश्व पर्यावरण का संतुलन बना रहे।